नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद आशा में। आज लाई हूँ आप सभी के लिए एक सिंपल सा वीडियो CTM का। आप में से कई लोग जानते होंगे कि CTM क्या होता है, पर जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि CTM का मतलब होता है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। CTM कैसे किया जाता है और दिन में हमें कितनी बार CTM करना चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। CTM का फर्स्ट स्टेप होता है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए मैं यहाँ पे लोटस का क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में चाहिए एक ड्राई टिश्यू। क्लिनजिंग मिल्क को ड्राई टिश्यू पे अप्लाई करेंगे और उससे फेस को साफ करेंगे। इस तरीके से साफ़ करने से फेस पे जो भी डर्ट होती है, जो भी डस्ट होती है, वो साफ़ हो जाती है। और अगर हमने किसी तरीके का मेकअप अप्लाई किया हुआ होता है तो वो मेकअप भी इससे रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस पे मेकअप अप्लाई किया हुआ है और जो कि क्लिनजिंग की वजह से टिश्यू के ऊपर आ गया है। इस तरीके से साफ़ करने से जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर हम सुबह के टाइम CTM करते हैं तो हमें क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो भी एक तरीके का क्लिनज़र ही होता है। और अगर हम फेस वॉश से फेस साफ़ कर लेते हैं तो हमें क्लिनजिंग मिल्क अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मेरा सारा मेकअप टिश्यू के ऊपर आ गया है। अब है हमारा स्टेप टू, टोनिंग। टोनिंग के लिए मैं यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग रोज़ वाटर ही यूज़ करें। अगर आप लोगों के पास इस तरीके का स्प्रे ना हो तो आप लोग कॉटन बॉल्स से रोज़ वाटर या टोनर, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस के साथ साथ अपनी नेक पे भी अप्लाई करें और आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के अंदर ये हमारी स्किन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे हमारी स्किन पे एक कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है और हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है। अगर हम इस तरीके से करते हैं CTM तो हमें दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो हमें CTM करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। और अगर आप इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे अपना स्किन साफ़ करेंगे तो आपकी स्किन पे एक ग्लो आ जाएगा और मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद आपको फेशियल या ब्लीच की कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखिए, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और मेरी स्किन ने कम्प्लीटली से एब्जॉर्ब कर लिया है। स्टेप 3 है हमारा मॉइस्चराइजिंग। आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, जैसे कि पॉन्ड्स का 24 आवर्स मॉइस्चराइज़र हो गया, या फिर आप लोग लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ और अगर आप भी एलोवेरा जेल अप्लाई करते हैं तो आई थिंक कि ये भी आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा ग्लो देगा। मुझे शुरू से ही एलोवेरा जेल ही सबसे अच्छा लगता है और मैं भी सजेस्ट करूँगी आप सभी को कि आप लोग भी एलोवेरा जेल ही अप्लाई करें और लाइट हैंड से एकदम मसाज करेंगे। रात को सोने से पहले CTM ज़रूर करें और इसे अपना एक रेगुलर जो आपकी लाइफ है उसमें इसको ऐड कर लें। रात को सोने से पहले फेस को साफ़ करें, उसकी टोनिंग करें और उसकी मॉइस्चराइजिंग करें। इससे हमारी स्किन में कभी भी ड्राइनेस नहीं आती है और किसी भी तरीके के पिंपल्स वगैरह या फिर आप देख सकते हैं ब्लेमिश वगैरह का कोई चांस नहीं रहता हमारी स्किन पे। और इस तरीके से 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी स्किन कम्प्लीटली इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। आप देखिए, किसी तरीके का स्टिकी या ऑयली मेरी स्किन पे फील नहीं हो रहा है। स्किन ने कम्प्लीटली उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। और अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी सनसेफ। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप सनसेफ ज़रूर अप्लाई करें। इससे हमारी स्किन की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन होती है। मैं यहाँ पे लोटस का सनसेफ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा वीडियो CTM का। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगी कि आप लोग गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो अपनी स्किन का प्रॉपरली ध्यान रखें और इसी तरीके से अपना रेगुलर बेसिस पे CTM करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।